श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साई 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। इंद्रदेव बबलू पंडित ने सभी को कहा कि अच्छे कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, दान अवश्य देना चाहिए पर सत्य असत्य पात्रों को देखकर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छल कपट विषय काम क्रोध लोभ मोह से युक्त लोगों को दान ना दें, दान उन्हीं को दें जो दान लेकर उनका उपयोग सही तरीके से करें। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, सीनियर कांग्रेसी नेता सुभाष शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता प्रीति, कोमल, सोनिया रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, संजय शर्मा, सुमित, बिनी, ज्योतिषाचार्य गौरव, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। दुख निवारण चंडी महायज्ञ कालिका धाम ज्योतिष में, जैसे आप सब जानते हैं, हर शनिवार को निरंतर चलता रहता है और जिसमें बहुत दूर से भक्त आकर महाकाली के चरणों में अपना आशीर्वाद गवाते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये यज्ञ बिल्कुल ही निःशुल्क जनकल्याण की भावना से किया जाता है। महारानी को बहुत आशीर्वाद मिलता है, सबकी मनोकामनाएं माँ भगवती माँ चंडी पूर्ण करती है। तो आज इस शनिवार के माँ महाकाली माँ चंडी यज्ञ में सिद्ध शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर के कैशियर आदरणीय श्री पविंदर बहल जी अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं और साथ में ही काउंसलर रीटा शर्मा जी भी महारानी का आशीर्वाद लेकर मुख्य यजमान के तौर पर बैठे और बहुत श्रद्धा से बड़े भाव से माँ चंडी का आवाहन किया है। हम प्रार्थना करते हैं, हम अरदास करते हैं आप सबका, सभी दर्शकों का भी, सब शहरवासियों का भी, माँ भगवती अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें।